ठीक है, नेहा धवन, पंजेटा साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में है, लेकिन वो भी गलत फहमी ना पाले, सत्ता में बहुत लोग बहुत सालों तक रहे हैं। जो मुद्दे हैं उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गिनाए, कर्ज से लेकर जो आज की स्थिति है, रोजगार, युवाओं का भविष्य, तमाम तरह के मुद्दे। और इस आधार पर वो कहते हैं कि बीजेपी को भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई कोई एक तरफा नहीं है। कांग्रेस की कला पर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उस पर आप उसे नकार नहीं सकते। अतुल जी, पंजेटा जी ने बहुत ज्यादा समय लिया और बहुत तरह की बातें कही। मुझे आप थोड़ा सा वक्त देंगे, मैं थोड़े से वक्त में पंजेटा जी की गलतफहमी को दूर कर दूंगी। पहली बात तो संगठनात्मक रूप से हम जितने प्रबल हैं, जितने स्ट्रांग हैं, उतने ही हम सरकार के रूप में भी हैं। क्योंकि पहले दिन से जब माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, तो उन्होंने समरसता की बात करते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात की, क्षेत्रवाद को मिटाया। क्योंकि जब INLD की सरकार थी तो केवल सिरसा के क्षेत्र का जो है वो विकास होता था और बाकी जो क्षेत्र थे वो दूर रहते थे। जब रोहतक क्षेत्र का जो है वो विकास हुआ और लेकिन जिस दिन से माननीय मनोहर लाल जी के विधायक है, उन तक जो है वो पैसे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, उन तक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने पूरे हरियाणा में हर एक विधायक को जो है योजनाओं का लाभ दिया। मैं छोटा सा कुछ ही सेकंड्स का समय लूंगी। महाविद्यालयों की संख्या भाजपा सरकार में आज जो है वो 182 हो चुकी है, जो कि 2014-15 में हमें 105 मिली थी, आज हमने उनको बढ़ाकर 182 कर दिया। विश्वविद्यालयों की संख्या हमें 43 मिली थी 2014 में, हमने उसको बढ़ाकर 56 किया। हमने 13 विश्वविद्यालय हरियाणा में खोले। हमने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या विधानसभा के पटल पे कहा आपने उनको पूरा कर लेने, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हमने 3,944 संख्या हमें मिली थी और हमने 4,266 कर दिया। लगभग 400 स्वास्थ्य संस्थान हमने बढ़ाए गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। हमने आयुष्मान कार्ड की योजना लागू की, जिससे लाखों परिवारों को, हजारों परिवारों को जो है प्रदेश में मुफ्त इलाज का मौका मिला, जो बाहर जाकर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना दवाई तक नहीं ले पाते थे, उनको हमने सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई। आज हरियाणा पूरे देश में, बड़े राज्यों में भी नंबर वन है। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य उपकरण जो है वो आज सरकारी अस्पतालों में नंबर वन स्थिति है। आज हर सरकारी अस्पताल में नंबर वन पोजिशन है उपकरणों की। जहां तक बात है नर्सिंग स्टाफ की, हमारे पास पूर्ण रूप से नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है। जहां तक बात है MBBS डॉक्टर्स की, उसके लिए निरंतर प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो प्रयासरत है ताकि पढ़े लिखे नौजवान जो MD हो, स्पेशलाइज्ड हो, और वो डॉक्टर्स जो है वो प्रदेश में टिके रहें और सरकारी अस्पतालों में गरीबों की सुविधा के लिए काम करते रहें। हमने जो है प्रदेश का निर्यात बढ़ाया। हमें 2014 में 6832 करोड़ रुपए का निर्यात जो है वो मिला, हमने उसे बढ़ाकर 2,45,453 कर दिया। हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। आज हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय जो है वो 37,000 रुपए प्रति माह है। हमने जो है वो बिजली उपभोक्ता को बढ़ाया, हमने इसको 54.91 से लेकर 76.61 किया। हमने पक्की सड़कों की लंबाई बढ़ाई। हमने खेल नर्सरियां अपने कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में 1100 खेल नर्सरियां खोली। हमने 200 गांव में खेल के मैदान बनाए। हमने क्या क्या नहीं किया पंजेटा जी, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप कमेरा वर्ग की बात करते हैं, आप हमेशा भाषणों में चौटाला साहब को हमने देखा कि हम कमेरा वर्ग की सरकार है। अगर आप कमेरा वर्ग के लिए इतने चिंतित होते तो आप MSP पर खरीद क्यों नहीं कर पाए? आप SYL को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? आज अगर SYL पे कोई भी कदम उठाया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी के ही निर्देशन से, वो उनके प्रयासों से ही ये फल मिल पाया है। जो भी प्रयास आज जारी है, आपने एक भी MSP पर फसल नहीं खरीदी। हमने किसानों को 14 फसलें जो है उनकी MSP पर खरीदी। हमने उनको किसान सम्मान निधि दी। हमने उनको कम रेटों पर कर्ज उपलब्ध कराया ताकि